नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको ब्राह्मी के बारे में बताऊंगा। दोस्तों ब्राह्मी आयुर्वेद की एक महान खोज होती है जो कि एक अनूठे और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों के लिए जानी जाती है। यह संज्ञा नामक क्षमता में सुधार करती है, तनाव से छुटकारा दाती है, कैंसर को रोकने के लिए, यौन संबंध का समय बढ़ाने के लिए, शरीर के हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने के लिए, श्वसन संबंधी समस्या का इलाज करने के लिए, मानसिक कमजोरी के खिलाफ सुरक्षा और बॉडी इम्यूनिटी के साथ साथ सूजन को कम करने के लिए जानी जाती है। दोस्तों इसके अनेक फायदे होते हैं। आज की वीडियो में आपको कुछ फायदों के बारे में बताऊंगा जिनको सुनकर आप हैरान हो जाओगे। दोस्तों इसका पहला फायदा होता है अल्जाइमर के उपचार के लिए ब्राह्मी के फायदे। दोस्तों अल्जाइमर एक प्रकार का रोग होता है। जिन लोगों को किसी चीज़ भूलने की बीमारी होती है, जिन्हें भूलने की बीमारी होती है उसे अल्जाइमर कहा जाता है। ब्राह्मी का इस्तेमाल करके इन्हें पुनः द्वारा ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अल्जाइमर रोग को ठीक करने के लिए ब्राह्मी फायदेमंद रहता है। दोस्तों इसका दूसरा फायदा होता है ब्राह्मी तेल के फायदे। बालों को झड़ने से रोकने में इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर आपके बाल गिरते हैं, गिरते हुए बालों को कम करने के लिए आप ब्राह्मी के तेल का उपयोग कर सकते हैं। इस तेल को सिर पर लगाने से बालों की जड़ों को मजबूत करता है। इस तेल से सिर की मालिश करने से रूसी, सिर के अंदर खुजली और बालों के उलझने से रोकने में भी फायदा मिलता है। दोस्तों इसका तीसरा फायदा होता है त्वचा के लिए। दोस्तों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में एंटीऑक्सीडेंट की उपस्थिति में शरीर से गंदे पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करती है। खासतौर पर त्वचा के ऊपरी परत में जब कोई समस्या उसे सुधार करनी होती है तो उसके लिए ब्राह्मी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ब्राह्मी का उपयोग सियोसिस, एक्जिमा, फोड़ा फुंसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों जिन लोगों को अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, इंसोमिया के लिए ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता है। आप अपने सिर की मालिश ब्राह्मी तेल से करके नींद विकारों को दूर कर सकते हैं, जिसमें डिप्रेशन, तनाव होना, चिंता होना आदि सभी को ठीक किया जा सकता है। यदि कोई व्यक्ति नेगेटिव इफेक्ट वाला होता है तो ब्राह्मी तेल का इस्तेमाल करने से वह पॉजिटिव बातें करने लगता है। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन रात के समय इस तेल से मालिश करनी चाहिए। दोस्तों ये बच्चों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद रहता है। बच्चों की याददाश्त बढ़ाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मी के तेल का उपयोग करने से टेंशन को कम किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप स्ट्रेस से ज़्यादा परेशान हो, आपका मूड ठीक नहीं रहता है तो आप ब्राह्मी का इस्तेमाल करें। ब्राह्मी तेल से मालिश करवाने के बाद आपके सिर के अंदर किसी प्रकार की स्ट्रेस नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों आप ब्राह्मी की चाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सभी प्रकार से आपके लिए फायदेमंद रहेगी। दोस्तों ब्राह्मी का इस्तेमाल याददाश्त बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। आप ब्राह्मी चूर्ण का इस्तेमाल करें, यह आपकी याददाश्त को बढ़ाने में काफ़ी अच्छा रहेगा। याद रखने की क्षमता का सीधा संबंध मस्तिष्क की कार्यप्रणाली से होता है। ब्राह्मी क्या करता है, मस्तिष्क के अंदर जाकर हिप्पोकैम्पस पार्ट होता है उसको प्रभावित करता है। इसकी वजह से मनुष्य के अंदर चतुराई, मेमोरी बढ़ना, कंसंट्रेशन बढ़ना ये सभी बढ़ने लगते हैं। ब्राह्मी का पाउडर बच्चों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहता है। ब्राह्मी सेरिबेलम का उपयोग करके लाभदायक गुण दिखाता है। इसके अंदर मेमोरी और कंसंट्रेशन की एकाग्रता बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद रहता है। दोस्तों ब्राह्मी का उपयोग मिर्गी नामक रोग में भी किया जाता है। जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए ब्राह्मी का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मी के अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूरोडीजनरेशन गुण होते हैं जिनकी वजह से मिर्गी रोग को ठीक करने के लिए जाना जाता है। दोस्तों अगर किसी को श्वसन संबंधी कोई विकार है, श्वसन समस्याओं के लिए ब्राह्मी वट्टी का उपयोग किया जाता है। जब ब्राह्मी के चाय के रूप में आप सेवन करते हैं या सीधे पत्तों को चबाते हैं तो आपके श्वसन स्वास्थ्य को बढ़ाता है। इसका उपयोग ब्रोंकाइटिस, कंजेक्शन, छाती में दर्द, नाड़ी अवरोध के लिए आयुर्वेदिक उपचार में जाना जाता है। इसके साथ ही दोस्तों ब्राह्मी का इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा लेते हैं। ब्राह्मी की पत्तियों को या किसी प्रकार से आप सेवन करते हो तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। किसी भी प्रकार का बॉडी के अंदर बैक्टीरियल या फिर वायरल वजह से कोई भी अगर इम्यूनिटी के अंदर प्रॉब्लम आती है तो ब्राह्मी का प्रयोग करके अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में भी मदद करती है। दोस्तों ब्राह्मी के अंदर रक्त शर्करा के लेवल की जो वृद्धि करने में वाली होती है उसमें मदद करती है। मधुमेह के लक्षणों के आधार पर आप हाइपोग्लाइसीमिया के बेहतर बनाने के लिए मदद कर सकते हैं। दोस्तों एक हेल्थी लाइफ अगर आप जीना चाहते हो तो दोस्तों आपको ब्राह्मी का इस्तेमाल करना चाहिए। आपके शुगर लेवल को बहुत ही जल्दी कम कर देती है। अच्छे पाचन के लिए ब्राह्मी चूर्ण का इस्तेमाल किया जाता है। ब्राह्मी चूर्ण का उपयोग करके आप अपने पाचन तंत्र को अच्छा बना सकते हैं। यदि आप पाचन के संबंधित किसी प्रकार की बीमारी से या परेशानी से सामना कर रहे हो तो ब्राह्मी का उपयोग करें, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ब्राह्मी के क्या नुकसान होते हैं। दोस्तों वैसे तो ब्राह्मी की आयुर्वेदिक होती है, इसका कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो नुकसान हो सकते हैं। गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन करते समय महिलाओं को ब्राह्मी का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। अगर आप एस्ट्रोजन से संबंधित
किसी प्रकार की चिकित्सा ले रहे हैं तो ब्राह्मणी का उपयोग को टालना चाहिए। यदि आप ब्राह्मणी पाउडर का उपयोग करते हैं तो एक से अधिकतम दो चम्मच से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मणी मूत्र पथ में स्त्राव बढ़ा सकती है, इसलिए अधिक सेवन करने से मूत्र संबंधी विकार हो सकते हैं। ब्राह्मणी पेट और आंतों के लिए स्त्राव को बढ़ाने में फायदेमंद रहती है, जो कि अल्सर को प्रभावित कर सकता है। तो दोस्तों, इन सभी कंडीशनों में आपको ब्राह्मणी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो करें और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, उसका जवाब हम देने का बहुत ही जल्दी प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार।